हेलो एवरीवन, आज है 11 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए, 14 रुपए के ऊपर यह शेयर ट्रेड कर रहा है और पिछले काफी दिनों से इसमें गिरावट बनी हुई है। अगर आप मेरी चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मैंने वोडाफोन आइडिया के ऊपर कुछ वक्त पहले, कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जब ये न्यूज आई थी राइट इश्यू वाली कि वोडाफोन एक नए राइट और भी ज्यादा शेयर्स मार्केट में लाने वाले हैं क्योंकि उनके ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है। तो एक नया ये लोग पैसा जनरेट करने के लिए ये राइट इश्यूज लाने वाले थे। तो तब मैंने कहा था कि शेयर में बहुत बड़ी गिरावट आएगी और शायद हो सकता है कि ये शेयर कंटिन्यूस नीचे जाता हुआ देखने को आपको मिल सकता है। तो उस वक्त मैंने ये जरूर कहा था और वाकई में अगर आप देख रहे हो तो शेयर्स में गिरावट भी आ चुकी है। तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वोडाफोन आइडिया में एक और अपडेट्स निकल के आई है और शायद वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिव मार्केट उस खबर को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो वो कौन सी खबर है और आपको आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए, इसमें खरीदारी करनी चाहिए या नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर वोडाफोन आइडिया के बारे में पिछले एक हफ्ते का मैं डेटा निकालू तो पिछले एक हफ्ते में इसके शेयर्स में देखिए 13% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। कंटिन्यूस ये शेयर गिर रहा है, कंटिन्यू 16 रुपए, 16.40 रुपीज तक का हाई इसने बनाया था और 14 रुपीज तक का लो जो अभी ट्रेड कर रहा है वो बन चुका है। पिछले एक महीने की बात करें तो 14% की गिरावट है। देखिए यहाँ से ये इसमें एक खबर आई थी कि वोडाफोन राइट इश्यू को लेके खबर आई थी और उस वक्त काफी लोग कह रहे थे कि अब शेयर्स में तेजी आएगी तेजी आएगी। लेकिन हमें खुद समझने की जरूरत है कि मार्केट में ऑलरेडी किसी चीज का स्टॉक पड़ा हुआ है और ज्यादा अगर आप उसमें डंप करोगे, और ज्यादा अगर शेयर आप उसमें डंप करोगे तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं गिरेगी। तो ये फैक्ट था। तो इसीलिए मैंने कहा था कि शेयर्स में भयंकर तरीके से गिरावट आएगी और उस वक्त मैंने कहा था कि जितने भी बाहर से वो चाहे तो अपनी सेल स्टेक जो भी है उसको बेच के निकल सकते हैं और जो नए बायर्स है उसको मैंने खरीदने के लिए भी मना किया हुआ था। लेकिन अभी एक खबर निकल के आई है और उसमें मार्केट थोड़ा उसको पॉजिटिव तरीके से भी ले रहा है। तो वो कौन सी खबर है हम उसके बारे में बात करते हैं। एक साल की अगर बात करें तो 60% की गिरावट है। देखिए 39 रुपीज तक का इसने हाई बनाया था, कंटिन्यू से शेयर गिरा है। देखिए बीच बीच में अपर सेक्टर जरूर लगे, बीच बीच में बढ़िया सा, देखिए अगर 20 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था ये पिछले साल 10वें महीने में तो ऐसी तेजी आई थी कि वही 20 रुपए का शेयर 27 रुपए तक भी पहुंच गया था। लेकिन बाद में हुआ क्या, फिर से गिरावट आ गई, फिर से थोड़ी सी तेजी आई लेकिन उतनी तेजी नहीं आई जितनी गिरावट आई थी और उसके बाद कंटिन्यूस गिरावट पे गिरावट चली। 3 साल की भी अगर हम बात करें तो 3 साल में 79% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। 72 रुपीज तक का हाई ये शेयर बना चुका था। देखिए गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। हाल फिलहाल हम सबको बताया कि वोडाफोन को सबसे ज्यादा जो टक्कर मिल रही है वो रिलायंस जियो की तरफ से मिल रही है। उसके आने के बाद टेलीकॉम सेक्टर में जैसे एक बहुत बड़ी भूचाल सा आ गया, ऐसा आप कहेंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो वोडाफोन इंडिया में पिछले 10 साल में 60% की गिरावट है। देखिए 10 साल में रिटर्न नहीं दिया, 122% 122 रुपए का हाई ये बना चुका था और 14 रुपए का लो भी बनाया है। देखिए 10 साल में रिटर्न नहीं दिया, 3 साल में भी नहीं दिया, 1 साल में भी रिटर्न नहीं दिया, 1 महीने में भी रिटर्न नहीं दिया, 1 हफ्ते में भी इसने रिटर्न नहीं दिया है इस कंपनी ने। और अगर बात करें देखिए लार्ज कैप स्टॉक के 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप एनएससी में देखेंगे तो 22 करोड़, 22 करोड़ से भी ज्यादा का यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड मुझे देखने को मिल रहा है। और नतीजे की बात करेंगे तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बुरे नतीजे मैं इसको मानता हूँ। देखिए नेट सेल्स बड़े इंक्रीज हुए हैं दिसंबर 2018 में अभी, लेकिन लेकिन आप देखिए कि इसका जो 53% भले नेट सेल इसमें इंक्रीज हुआ है, 11,751 करोड़ का इनका नेट सेल्स देखने को मिला है जो पिछले क्वार्टर सिर्फ 7,600 करोड़ का था। लेकिन दिक्कत कहाँ है, दिक्कत इनके नेट प्रॉफिट में है। 4,000 ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का नुकसान सितंबर क्वार्टर में हुआ था, दिसंबर क्वार्टर में भी 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो हर क्वार्टर में जब इतना बड़ा नुकसान हो रहा है तो कंपनी पैसा नहीं कमा पा रहा है। हाल फिलहाल वोडाफोन इंडिया सॉरी वोडाफोन आइडिया पैसा नहीं कमा पा रहा है, उसका हर क्वार्टर करोड़ों में नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो देखिए प्रमोटर्स के पास 26.54% की होल्डिंग है,
एफआईएस ने अपने यहाँ होल्डिंग बढ़ाई हुई है, 13.13% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग घटाई है, इंश्योरेंस कंपनी ने भी होल्डिंग घटा दी है। म्यूचुअल फंड के पास 3.07% की होल्डिंग, इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.36% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 11.08% की होल्डिंग है। अदर डीएलएस के पास 44.82% की होल्डिंग है। अब आप देखिए, प्रमोटर्स के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये अच्छी बात है। 48 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 440 एफआईएस भी इसमें इन्वेस्टेड है। इंडिविजुअल होल्डिंग देखिए बहुत कम है, 1.94% की इंडिविजुअल होल्डिंग है। 2016 से इसने डिविडेंड भी पे करना बंद कर दिया है, 2016 से इसने डिविडेंड भी पे करना बंद कर दिया है। अब अगर हम मनी कंट्रोल में जाए तो मनी कंट्रोल में आप देखिए 67% यहां पर बाइंग रिकमेंडेशन देखने को मिल रही है इसके शेयर्स में, 22% सेल है, 11% होल्ड है। देखिए मतलब सिर्फ 22% लोग इसमें बेचने के लिए बोल रहे हैं, बाकी सब इसमें बाइंग करने के लिए बोल रहे हैं, 11% लोग इसमें होल्ड करने के लिए भी बोल रहे हैं। और अगर मैं इनके फाइनेंशियल्स की तरफ एक बार निशाना करूं तो ऑलमोस्ट 57,000 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा है। और ये डेटा पुराना है, ये डेटा मार्च 2018 का है। जो रिसेंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग इनके ऊपर 1,20,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है, 1,20,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनके ऊपर कर्जा है। तो और अगर हम यहाँ पर बात करें म्यूचुअल फंड होल्डिंग की, अगर हम बात करें तो देखिए करोड़ों में म्यूचुअल फंड होल्डिंग ने भी इसमें इन्वेस्टेड है, चाहे वो फ्रैंकलिन इंडिया हो या आईसीआईसी हो, करोड़ों में उन्होंने होल्डिंग अपनी लगाई हुई है। तो म्यूचुअल फंड यहाँ पर काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। और अगर हमें एक आर्टिकल से जिसमें देखिए वोडाफोन ग्रुप प्लेज वोडाफोन आइडिया स्टेक विथ 7 फॉरेन बैंक्स, तो जो सबसे बड़ी न्यूज निकल के आई है वो ये है कि वोडाफोन ग्रुप जो है उन्होंने वोडाफोन इंडिया के ऑलमोस्ट जितने भी स्टेक उनके पास थे, एंटायर देखिए वोडाफोन ग्रुप के पास इसके स्टेक्स थे, 44.39% के स्टेक्स थे वोडाफोन इंडिया के, वो सारे के सारे स्टेक्स उन्होंने गिरवी रख दिए हैं 7 फॉरेन बैंकों में। 7 फॉरेन बैंकों में ये स्टेक उन्होंने गिरवी रखा है। देखिए न्यूज कुछ इस तरह है कि वोडाफोन ग्रुप हैज प्लेज इस एंटायर 44.39% स्टेक इन वोडाफोन आइडिया वर्थ ओवर 18,000 करोड़। देखिए उनकी वैल्यू भी है 18,000 करोड़ की, इनकी वैल्यू है विथ 7 फॉरेन बैंक्स आफ्टर इंडियाज लार्जेस्ट टेलको इश्यू विद द शेयर टू प्रमोटर अलाउ 25। तो देखिए इनका टारगेट था सबसे पहले कि 25,000 करोड़ इनको रेज करने थे राइट इश्यू से, तो इसीलिए उन्होंने 12.5 रुपए की प्राइस के ऊपर 2,000 करोड़ शेयर मार्केट में नए लॉन्च किए थे, और वो 12.5 रुपए की कीमत पर उन्होंने वो लॉन्च किए थे। अब वोडाफोन प्रमोटर मार्टर शेयर होल्डर एज वोडाफोन प्रमोटर इंडिया स्टेक होल्डर है प्लेस दैट एंटायर 44.39% स्टेक इन वोडाफोन इंडिया। द कंपनी टोल्ड द स्टॉक एक्सचेंज ऑन वेडनेसडे देर आर 12 एंटिटीज अंडर द वोडाफोन ग्रुप दैट ओन द स्टेक एंड बेस आउट द इंडियंस एंड। तो देखिए 12 अलग अलग एंटिटी की तरफ से है। अकॉर्डिंग टू फाइलिंग द वोडाफोन ग्रुप हैज प्लेस्ड शेयर ऑफ फाइनेंशियल अग्रीमेंट इन फेवर ऑफ एचएसबीसी कॉर्पोरेट ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड विच इज एक्टिंग एज अ ट्रस्टी फॉर बीएनपी परिबास एचएसबीसी बैंक आईएनजी बैंक एनवी सिंगापुर ब्रांच स्टैंड चार्टर्ड बैंक बैंक ऑफ अमेरिका मॉर्गन स्टैनली लिमिटेड। तो देखिए प्रमोटर स्टेक राइज टू 71.51। तो देखिए काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पर देखने को मिली है। और आप खुद सोचिए कि जब इतने ज्यादा शेयर यहाँ पर मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे तो कहाँ जाके ये रुकेगा, कहाँ जाकर ये रुकेगा। एक और न्यूज है कि वोडाफोन ग्रुप प्लेस वोडाफोन शेयर्स एन आइडिया। लेकिन लेकिन देखो एक और अपडेट इसमें जो निकल के आ रही है वो ये है कि वोडाफोन आइडिया आने वाले दिनों में एयरटेल के साथ मर्जिंग कर सकता है। किस सेक्टर में? इनका जो टावर का बिजनेस है, टावर लगाने का जो बिजनेस है उसमें ये लोग मर्जिंग कर सकते हैं। और उस मर्ज करने के बाद उनको जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे से ये लोग जो स्टेक इन्होंने गिरवी रखे हैं उसको वापस से एक्वायर करेंगे। तो ये एक प्लान है, अगर अगर ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली मार्केट उसको काफी अच्छे से और पॉजिटिव तरीके से जरूर लेगा, और आपको आने वाले दिनों में इसके शेयर्स में तेजी देखने को मिलेगी अगर अगर दोनों का मर्जर हो जाता है। देखिए यहां पर है
वोडाफोन आइडिया एंड आइडिया सेल्यूलर। देखो ये तो वोडाफोन आइडिया और उनके सेल्यूलर ने यहाँ पर कंबाइन किया था, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2000 करोड़ नए शेयर इन्होंने डंप किए हैं, और 12.5 रुपीज ईच, 12.5 रुपए की कीमत से इन्होंने 25,000 रुपये रेज करने के लिए, क्योंकि इनके ऊपर कर्जा बहुत है। तो कंपनी को चलाने के लिए क्या चाहिए, किसी इनको पैसा चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, जो इनको कंपनी को रन कर सके। और स्पेशली जब वो रिलायंस के साथ जब टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको एक बड़ा बैकबोन जरूर चाहिए हाल फिलहाल में। तो इसी के लिए ये लोग पैसा रेज कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये एयरटेल के साथ मर्जिंग करेंगे। देखिए न्यूज आ रही है, तो अगर जब तक दोनों का मर्ज नहीं हो जाता, स्पेशली टावर के बिजनेस में, उसके बाद ही मैं आपको कुछ कह सकता हूं कि आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए या नहीं। तो अभी के लिए मैं आपको यही कह सकता हूं कि अगर आपने 14 रुपए के ऊपर अगर आपने शेयर खरीदा है, या 15 रुपए पे खरीदा है, या 16 रुपए पे खरीदा है, तो होल्ड कीजिए। शायद कुछ अच्छा निकल के जरूर आ सकता है इस शेयर में, क्योंकि अगर मर्ज हो जाता है तो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा फायदा यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज है कि मर्ज होने के बाद इनको पैसा मिलेगा अब वोडाफोन को, और उस पैसे से जो शेयर्स इन्होंने गिरवी रखे हैं उसको ये लोग वापस से छुड़ा कर एक्वायर कर लेंगे। तो अगर डील होती है तो ही इनको फायदा होगा। तो एटलीस्ट जब तक कोई कॉन्क्रीट न्यूज इसमें निकल के नहीं आती, तब तक अगर जिसने खरीदा हुआ है वो होल्ड करे, और जिसने नहीं खरीदा, नए बायर्स है, फ्रेश बायर्स है, उनको मैं कहूंगा कि हाल फिलहाल भी वो भी थोड़ा वेट करे, अभी जल्दबाजी ना करे इसमें खरीदने में, क्योंकि आप देखिए पिछले पूरे हफ्ते से शेयर में गिरावट ही गिरावट चल रही है। अभी तक कोई अच्छा, जब तक इसमें 2-3 अपर सर्किट नहीं लगती, जब तक कोई अच्छी कॉन्क्रीट न्यूज नहीं आती, तब तक मैं यही कहूंगा कि हाल फिलहाल थोड़ा सा वेट कीजिए, ज्यादा जल्दबाजी ना करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।